हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं हूं आपकी दोस्त राधि और हम डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हमारा क्या व्यू रहता है, प्लस में कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और क्या प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। आज के चार्ट से हमें क्या चीज़ें सीखने को मिली और आरबीआई पॉलिसी में ऑलमोस्ट 35 BPS जो है हमें राइज देखने को मिला था। आपके पास टेलीग्राम पर भी जो था पूरा अपडेट वो शेयर किया गया था, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें एक फॉल भी दिखा। बट बेसिकली हम इससे पहले ना अपनी अब जो 1-to-1 आज जो हमने सीखा, ज्यादा अपडेट देने का आज वैसे दिन भी नहीं था क्योंकि इतना ज्यादा कंसोलिडेशन था और एज पर जैसे मैंने वीक स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे बोला था कि ये बहुत वॉलेटाइल और बहुत ही ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा सही नहीं रहने वाला वीक, बिकॉज इधर इमोशंस बेस्ड ट्रेडिंग होगी। सो इसीलिए और मैंने आज यहाँ पर टेलीग्राम पे जब आपको अपडेट किया इस पैटर्न का कि 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो एक ये सेटअप होता है, तो यू गाइज जस्ट वन सेटअप तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें मैंने बोला भी कि बैक टेस्ट करना है फिर फॉरवर्ड टेस्ट करना है। अभी सेटअप में क्या इंपॉर्टेंट है ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इधर क्या है कि जैसे 5 मिनट की कैंडल है, ओके, एंड 5 मिनट की कैंडल के ऊपर जाके डे हाई का ब्रेकआउट हमें मिलता है। ब्रेकआउट के बाद हमें इस कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, डाउन साइड में हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिली। क्लोजिंग मिलने के बाद हमें एक पुल बैक कैंडल भी मिलता है, कॉन्टिन्यूएशन भी मिलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल होती है वो हमारा SL होता है और उसके ऊपर हमारा 1:2 टारगेट होता है। बट अब मैं एक और चीज बोलूंगी कि अगर आप एक या फिर दो सेटअप यूज करिए, अगर आप इनसाइड कैंडल करते हैं तो सिर्फ वही करिए, या आप कोई भी डे हाई डे लो का ब्रेकआउट करता है वो करिए, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की ट्रैपिंग करता है वो करिए, बट यूज ओनली वन सेटअप। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई भी सेटअप करोगे, ये न्यू था और इस तरीके से सेटअप वर्क करता है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आपको पहले बैक टेस्ट करना है, उसके बाद फॉरवर्ड टेस्ट करना है और ऑब्वियसली ये चीज बोली गई थी कि इस सेटअप के बेसिस पर ट्रेड नहीं लेना बिकॉज आज इवेंट डे था और प्रीमियम्स इवेंट डे पर नहीं बढ़ते हैं बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है एकदम से और सिर्फ डिक्रीज होता है। वेंसडे भी था तो प्रीमियम डिक्रीजिंग ज्यादा होती है तो इसी चक्कर में नहीं बोला गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जहां पर हमारा ये 5 मिनट का ब्रेकआउट हुआ बैंक निफ्टी में, इधर के साइड पर हमारा प्रीवियस डे का हाई भी था और इम्पॉर्टेंट क्या था कि ये मैंने मार्क करके भी दिया था आपको, जो मॉर्निंग में चार्ट शेयर हुए थे वहां पर मैंने आपको मार्क करके दिया था कि जो कल का हमारा प्रीवियस डे हाई है प्लस में जो उससे पहले वाले दिन का जो प्रीवियस डे हाई था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहने वाले हैं क्योंकि इधर के साइड पर सेलर है इसलिए मार्केट इधर से टर्न कर रहा है। तो आज दोबारा से प्राइस उसी वाले जोन में आता है और यहाँ पर एक पैटर्न बनता है और प्राइस जो है दोबारा टर्न करता है। अगर आप देखोगे तो रफली एक यहाँ पर आपको एक एम टाइप का पैटर्न भी दिखेगा इधर के साइड पर, बट एज पर जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप सेटअप के बेसिस पर जाते तो आपका SL बहुत इजीली आना था क्योंकि बिल्कुल ही जो भी हमारी पॉलिसी थी उसके बेसिस पर मार्केट इस टाइम पे रन करता है तो ऑब्वियसली उसके पॉइंट हाइक की वजह से हमें बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला। उसके बाद कुछ अपडेट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट था ही नहीं, मतलब इस वाले टाइम में मैं क्या ही अपडेट दूं। ये अगर आप नोट करोगे 11 से लेके 1:30 तक, ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक मार्केट सिर्फ ऑलमोस्ट 150 से 100 पॉइंट ऊपर तक रन किया है बैंक निफ्टी में। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कभी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी ज्यादा टाइम में किसी भी साइड एक मूवमेंट में बहुत रो रो कर और लेट लेट कर जा रहे हैं तो उधर के साइड पे मार्केट बेवकूफ बना रही होती है। मैंने ऑलरेडी पहले भी ये चीजें डिस्कस करी है, मैं दोबारा भी बता रही हूँ, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में अगर रो रो के जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ये पे फॉल आया, आप इस फॉल को नोट करो, ये जो फॉल आया इधर के साइड पर ये फॉल था कि इसका कोई रीजन है, बट अब जब मार्केट इस टाइप से गिर रही है जिसमें कुछ फॉल नहीं आ रहा बट फिर भी मार्केट ऐसे ही जरा जरा सा गिर रही है तो वहां पर मार्केट बेवकूफ बना रही होती है। हमेशा जब भी फॉल आता है मार्केट में तो फॉल फास्ट आता है, अगर मार्केट धीरे 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 गिर रही है तो मार्केट बना रही है बेवकूफ। और जो राइज आता है मार्केट में, ठीक है, राइस आता है वो धीरे 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 आता है, अगर मार्केट एकदम से राइस हो गई तो वो वहां पे बेवकूफ बना रही है। तो राइस में और फॉल में दोनों में ही डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन आप धीरे धीरे रोज रोज सीखोगे तो आपको समझ आएगा। नाउ दिस इज अ पैटर्न ऑफ ये राइजिंग वेज पैटर्न है, बट लास्ट में निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न नहीं था बट इट इज अ टाइप ऑफ रेंज कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, निफ्टी में। अब मुझे लगता है सब BTST में निफ्टी ले गए लगते हैं और पुट इतना ज्यादा क्यों लेके गए हो भाई, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल भी फॉल ही नहीं आया है और निफ्टी का अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा फॉल आया है, सब निफ्टी में पोजीशन बना के चले गए लगता है। जो लास्ट में बोला था कि BTST के लिए आपको अपने पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है ऑब्वियसली। सो कल के लिए क्या व्यू रहेगा इसी चीज के बेसिस पर है, इलेक्शन का रिजल्ट और कंप्लीट इलेक्शन पर ही डिपेंड करता है क्योंकि मार्केट इमोशंस पे रन करेगा कल। प्राइस एक्शन कुछ वर्क नहीं करने वाला, जैसे आज यहाँ पर था एकदम से फॉल आया तो इसमें कुछ एकदम से था
फोल का कुछ इसमें सिस्टमैटिक ट्रेडिंग नहीं थी, तो इसी तरीके से कल का दिन पे हमें देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी में 43,000 का पुट राइटर है, ओके, और 43,000 पे बहुत बड़ा पुट राइटर है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है बैंक निफ्टी के लिए कि अगर बैंक निफ्टी कल 43,000 के नीचे, यानी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और 43,000 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर उसके बाद जो ये यहाँ पे बैठा हुआ पुट राइटर है, जो इस लेवल को रोक के रखा है, आज भी रोक के रखने के लिए बरकरार रहा था, यहाँ पर हमें मार्केट घूमते हुए दिखाई दी, तो उसके बाद जो अगर जो जो मार्केट का एक व्यू है वो डाउन साइड में जाने के लिए हमारा बन सकता है। बिकॉज ये फिर अगर स्टार्टिंग के ओपनिंग की बात कर रही हूँ मैं, रिजल्ट की बात नहीं कर रही, अगर 43,000 का जो पुट राइटर है वो फंसता है तो मार्केट को डाउन साइड में ये पैनिक सेलिंग आएगी फिर मार्केट में, उसके बाद मार्केट में प्राइस एक्शन डाउन साइड में जाते हुए दिख सकता है। नाउ दिस विल बी द रेंज एरिया या यहाँ के बीच में, जितना आज टाइम स्पेंड करा अगर कल दोबारा से मार्केट आता है तो इधर दोबारा से एक टाइम स्पेंड करते हुए मार्केट दिख सकता है, और हमारा जो डे हाई है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बनेगा, प्लस में जो ये हमारा प्रीवियस डे हाई था 377 के अराउंड, ये हमारा रेसिस्टेंस बनेगा, अभी ये रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है। इसके अलावा वी आर ऑल्सो इन अ रेंज, जो इतने दिनों से हमारी रेंज बन रही है, हम अभी भी रेंज में है, डू स्केल्पिंग ओनली, कोई भी एक वन साइडेड मूव आपको सिर्फ इस रेंज के बाहर ही दिखाई देगा, और फॉल 43,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ये रेंज एरिया है और इससे ज्यादा बाइंग हमारी इस लेवल के ऊपर। निफ्टी में क्या व्यू है, निफ्टी में ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बहुत ब्यूटीफुल है, वैसे कि प्राइस गिरता है उसके बाद ये रेंज बनती है फिर प्राइस कॉन्टिन्यू करता है, बट नॉट डिपेंड कि आप निफ्टी में किस तरीके से कल गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, किस तरीके से ओपनिंग होती है। सो अब नाउ इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग के लिए, अगर ओपनिंग इस वाले लेवल के बीच में होगी तो इट विल बी अ रेंज एरिया, जो अगर प्राइस को निकलना है तो अपना डे हाई जो है वो निकालना पड़ेगा। अब क्यों बोला मैंने डे हाई निकालना पड़ेगा, बिकॉज आप देखोगे ना तो ये सारा सेलिंग एरिया है, यानी यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा है, तो अगर एक अच्छे तरीके से मूव देना है ना तो अपना ये डे हाई तक तो निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज इधर के साइड पर सारे सेलर्स फिर ट्रैप हो जाएंगे, और अगर हमारा ये रेंज का हाई भी निकल जाता है ना, ये रेंज भी निकल जाते तो ये रेंज के जो सेलर है वो भी ट्रैप होंगे, जो मार्केट को डाउन लेकर गए हैं, तो इसलिए इधर के साइड पर भी हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। अगर और भी ज्यादा हमें जो है निफ्टी में गिरावट चाहिए तो हमें हमारा ये वाला जो डे लो है वो निकालना पड़ेगा, लेकिन एक कंसर्न की बात यहाँ पर एक और है, और वो ये है कि ऑप्स्ट्रा में अगर आप जाके देखोगे तो निफ्टी में एक्चुअल में जो पीसीआर है वो 0.55 है, यानी निफ्टी अभी ओवरसोल्ड है, तो अगर कल गैप डाउन होता है ना तो आपको एक एकदम से जो है बाइंग भी दिख सकती है, क्योंकि एकदम से मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी सेम केस है, क्योंकि एक ना एक पॉइंट पे मार्केट को जो है वो दोबारा से मूव देना पड़ेगा अगर मार्केट ओवरसोल्ड है तो अब ये सारे सीनेरियोज को ध्यान में रखे फिर ट्रेड करना, डोंट यूज मच कैपिटल, क्योंकि मैं दोबारा बोल रही हूँ कि इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग होगी, सिस्टमैटिक नहीं होगी, जैसे आज सिस्टम ने वर्क नहीं किया इसी तरीके से कुछ दिनों से आप देखोगे इस वीक स्टार्टिंग है तो मंडे अच्छा वर्क किया इनसाइड कैंडल ने, बट जब भी इलेक्शन वीक होता है, इलेक्शन डेज या इवेंट डेज होता है, तब सिस्टम इसी तरीके से वर्क करता है, देन टेक अ पॉज एंड यूज स्मॉल कैपिटल ओनली, ओके। सो अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रहता है देन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और यहाँ पर मेरी आईडी पिन है, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो। एंड विद दिस थैंक यू सो मच, बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैप्पी फाइनेंशियल लिटरेसी।